अजीज तलपा, हमारे नशोनुमा के दौरान हमारा कद बढ़ता है, हमारा वजन बढ़ता है, इसी के साथ साथ हमारी बहुत सारे जिस्मानी सलाहियतें बढ़ती हैं, हम मुख्तलिफ अकसाम की महारतें सीखते हैं और इसी तरह हर इंसान की तरक्की होती है, इसी को हम इर्तिका कहते हैं। हम ये सारी जो महारतें हैं जब बच्चे से बालिग होते तब तक जो जिस्मानी तौर पर हम सीख सकते हैं या आना चाहिए वो आ जाती है। जिंदगी बसर करने के लिए इसके अलावा हमें बहुत सारी महारतों की जरूरत होती है ना। तो ये हम हमारे वालिदैन से सीखते हैं, हमारे घर के बड़ों से सीखते हैं या हमारे असातिज़ा से सीखते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही हम लोग सीखते हैं और ये हमारे लिए सीखना भी जरूरी है। जैसे जैसे हमारी महारतों में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे हमारा दूसरों पर इंतजार कम होता जाता है। दूसरों पर इंसार यानी क्या, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। जैसे कि मुझे खाना खाना है, तो अगर खाना बनाने की महारत मेरे पास में है, मुझे खाना बनाते आता है, तो एक महारत है। तो अगर मुझे खाना बनाते आता है तो मैं खुद खाना बनाकर खा सकता हूँ। यानी क्या मुझे खाना खाने के लिए दूसरों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं दूसरों के ऊपर हमको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, यानी उनके ऊपर मुनसर नहीं होना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो जैसे जैसे हम लोग महारतें बढ़ाते जाते हैं हमारे अंदर या सीखते जाते हैं, तो दूसरों पर जो हमारा इंसार है कम होता जाता है। आज तक ऐसे बहुत सारी मुख्तलिफ महारतें या मुख्तलिफ काम है जो हम नहीं कर सकते, जैसे कि कपड़े सिलना हम नहीं कर सकते, है ना। मगर फिर भी हमें ये पता होना जरूरी है कि जितनी ज्यादा हम महारतें सीखेंगे उतना ही ज्यादा ये हमारे लिए मुफीद है, और इसी की वजह से हमारा दूसरों पर इंसार कम होता जाता है।